I don't. गाइस हम आए आंधी गाइस देखो आप क्या हो रहा है ऊपर साफ करने का एक अच्छा तरीका गिर मत पड़ियो। हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक और नई ब्लॉग में। गाइस सुबह के बज रहे हैं 5:30, मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है। मैं हूँ छत पे, हम छत पे सोते हैं जमीन पर चादर बिछा के, और बहुत ही अच्छी अच्छी हवा चल रही है आज। जतिन के पापा जग के चले गए, जल्दी चले गए वो तो, क्योंकि हमारी सास है ना उनकी तबीयत ख़राब है, उनकी पतली है पेट में, तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। रात में भी गई थी उनको देखने, तो जो भैंसों का जो काम वगैरह है तो मम्मी नहीं कर रही हैं, यही चले जाते हैं, और उनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। दुखने से मम्मी ज़्यादा परेशान है, तो फिर वो चले गए। मैं यहाँ घर का देखती हूँ, वो मम्मी की सेवा करते हैं और अपना माँ बाप की दोनों की सेवा करते हैं और ज़्यादातर उनका ध्यान रखते हैं। तो अभी सुबह हो गई है, मंदिर में देखो आरती अभी चालू हुई है, आरती नहीं हो रही है, वो रावण पढ़ रहे हैं। बहुत तेज तेज हवा चल रही है और मोर चिल्ला रहा है, आपको आवाज आ रही होगी। सुबह सुबह इतनी अच्छी आवाज़ें आती हैं चिड़ियों की, मंदिर की, ये चीज़ बहुत मिस करती थी मैं वहाँ पर महाराष्ट्र में, और एकदम खुले आसमान के नीचे सो कितना अच्छा लगता है। तो गाइस अभी घर का जो काम है थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा बाकी रह गया है, गर्मी इतनी पड़ रही है जो काम पूरा नहीं मैं खत्म कर पा रही हूँ, और कैसे करूँ क्या करूँ वो समझ नहीं आ रहा है। फटाफट तो मैं बिस्तर क्लोज करती हूँ, चलती हूँ और देखती हूँ घर का क्या क्या काम रह गया अभी। तो गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ, अभी मैं हो रही हूँ तैयार, चोटी वगैरह मैंने कर ली है, मेकअप वगैरह हल्का फुल्का से हो चुका है, अभी मैं कानों में पहन रही हूँ, अभी पहनूँगी मंगलसूत्र, बाकी मेरे जो मेकअप शेकअप के सारे काम थे वो हो गए, अभी मैं करूँगी घर का काम। अब मैं नहा ली हूँ, पहले ही नहाने के बाद घर के कामों की होगी शुरुआत, फिर नहाने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं पहले ही नहा ली। जतिन के पापा आ चुके हैं, 4 बजे जग के ये चले गए थे घेर में मम्मी के पास, वहाँ पे मम्मी के साथ काम करवाते हैं, मम्मी की तबीयत ख़राब है और मम्मी के पेट में पतली है, मैंने बताया भी था आपको, तो उनकी 2-3 दिन से तबीयत ख़राब चल रही है, तो मम्मी के साथ थोड़ा मदद करा देते हैं काम में, और मैं घर के झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह जो भी काम है उन सबको मैं कर रही हूँ। रूम में झाड़ू लग चुकी है, अभी मैं आ गई हूँ किचन में, बच्चे सो रहे हैं और मैं अपना सुबह सुबह झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह सब अपने काम करती रहती हूँ। ये हमारी दूध की टंकी है और इनमें हम तेल वगैरह सरसों का निकलवा लेते हैं, तो वो ही सारी साफ़ करने के लिए रखी हुई हैं। मैं आ चुकी हूँ बच्चों के रूम में, बच्चे कर रहे हैं झगड़ा आपस में, ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहे हैं, और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। कूलर मैंने अलग को सेट कर दिया क्योंकि वो बीच में आ रहा था और कूड़ा निकल नहीं पाता और मैं भी निकल नहीं पाती हूँ, तो बीच में रास्ता बंद हो जाता है कूलर से, तो अभी मैंने साइड में लगा दिया। फटाफट से रूम दोनों क्लियर कर दिए हैं मैंने, किचन क्लियर कर दिया झाड़ू लगा के, और अभी मैं बरामदे में झाड़ू लगा रही हूँ। मंदिर का सामान मैंने उस दिन दिखाया था कि मंदिर लगाऊंगी, तो गाइस अभी हमारा मंदिर नहीं लग पाया क्योंकि हमारा जब तक गेट नहीं लगेगा तब तक मंदिर लगाना बेकार है, और पूरे आंधी बारिश आंधी आती है ना, पूरी मिट्टी मिट्टी हो जाती है घर में, और मैंने रात सुखाए थे कपड़े, धो के सारे कपड़े सूख चुके हैं, अभी मैं कपड़े उतारने के लिए आ चुकी हूँ। और चूल्हे का काम मैंने उस दिन बताया था, चाय बनाऊँगी, चाय बन नहीं पाया चूल्हे का, और पूरा चूल्हा मतलब ऐसे ही ज़मीन पर रखा हुआ है, तो चूल्हे के पास मिट्टी रखी है, घर आऊँगी किसी दिन जब मुझे टाइम मिलेगा जब मैं बनाऊँगी, काम बहुत सारे होते हैं घर में, तो मैं जो घर का क्लीन एकदम काम है वो बाहर का नहीं हो पा रहा। मैं कपड़े लेके आ चुकी हूँ गाइस,
और बाहर बुग्गी आएगी जब जाके सामान जाएगा, बहुत सारे प्लाई वगैरह और गत्ता वगैरह रखे हुए हैं, इनको बुग्गी में ले जाया जाएगा। मैं दरवाजे की सफाई कर रही थी, बड़ी मुश्किलों से मैंने की दरवाजे की सफाई। अंदर में आ चुकी हूँ घर में, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मैं एक्सी पहन ली साड़ी पहन के, गाइस मेरे से काम नहीं होता। यहाँ पे मैंने पूरे बर्तन वगैरह जचा दिए, पूरा कंपार्टमेंट अलग बना दिया सब चीज़ का अलग अलग, जो कि मुझे आसानी से सब चीज़ मिल जाए। यहाँ कप वगैरह रख दिए मैंने और कांच के गिलास वगैरह, मतलब जो वैसा नाश्ता पानी के लिए जो बर्तन चाहिए होते हैं ना, वो सारे मैंने रख दिए। किचन हमारी देख सकते हो गाइस क्लियर हो चुकी है बिल्कुल, और बाकी के सामान मैं ऊपर रख देती हूँ और थोड़े बहुत मसाले वगैरह रखती हूँ नीचे, क्योंकि स्लिप बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची है तो मैं पहुँच नहीं पाती हूँ। यहाँ पे मैंने एडजस्ट फैन लगा दिया है, इसको मैं छत पर यूज करती हूँ और किचन में भी यूज करती हूँ। ऊपर एडजस्ट फैन लग रहा है और नीचे भी छोटा वाला पंखा लगा दिया मैंने। अभी मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, पूरा झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, मैं नहा ली हूँ और बच्चे अपने रूम में कर रहे हैं पढ़ाई, तो मैं फटाफट से यहाँ पर तोरी लेके आई हूँ, फटाफट से काट लेती हूँ, सब्जी बनाने की करती हूँ तैयारी। और गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत परेशानी से हो जाती है, सुबह से ही धूप आ जाती है, काम भी नहीं हो पाता पूरा। और बाहर का जो चौक है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है, तो वो बुग्गी आएगी जब जाके सामान जाएगा, और मेरे साथ में कोई लगने वाला नहीं है। मैं जैसे मैं काम करती हूँ ना, मेरे साथ साथ कोई करवाए तो मैं फटाफट से भूल रही थी। देखो बहुत सारे कपड़े लेकर आई, अब इनकी तय बनाऊंगी और बाकी जो मैंने अपनी अलमारी में अपनी साड़ी वगैरह जचाई। और अभी हो रही है शाम, तो गाइस अभी हो रही है शाम, हमारे यहाँ आ रही है आंधी, तो पूरी धूल उड़ रही है बुरी तरह से। और मैं लेके आई हूँ डब्बा साफ करने के लिए, ये फेविकॉल की डब्बा, और इनको करेंगे आज हम साफ। कैसे करेंगे साफ मैं बताऊंगी, साफ करने का एक आसान तरीका। तो ये हो चुके हैं खाली, और मैंने ये रख दिए थे धूप में, और धूप में रख के ये सूख जाते हैं तो फिर इनको ऐसे छुड़ाओ तो एकदम क्लीन हो जाते हैं। तो मैं इनको छुड़ाऊंगी अभी, दिखाऊंगी। चालू है, पूरी मिट्टी आई ऊपर। तो गाइस इनको मैं करने वाली हूँ साफ, और ये हमने रख दी थी धूप में, मैंने पहले भी बता दिया आपको, इनमें अगर पानी करके रख दो ना तो ये साफ़ नहीं होते सही से, और धूप में रख के इन्हें वैसे ऐसे निकाल दो पूरा साफ़ हो जाते हैं एकदम, पाप नहीं सी निकल जाती है। बहुत तेज आंधी आ रही है गाइस, पूरा धूल धूल हो गई घर में। एक बार आंधी दिखा दे कितनी भयंकर आ रही है, दिखा के लीजिए ना, ये कैमरा में मिल गया ना सामने गया ना, पता चले डंडी उसे पक गई है। अरे भगवान, तो देख दिखा। तो गाइस देखो पूरा निकल के आ गया, फेविकॉल देखो सुखा दिया था, पूरी पिन्नी जैसी बन गई, और ये खींची चली आएगी, खींचूंगी तो पूरा साफ हो जाएगा ऐसे। और भी डिब्बा में ऐसे साफ किए, तो अगर आपको नहीं आते हो तो ऐसे ट्राई करके देखना, हमें नहीं पता था, हमें मिस्त्री ने बताया था। हम तो पानी डालने जा रहे थे डिब्बा में, तो बोले पानी मत डालो धूप में रख दो, और धूप में रख के ऐसे खींच के निकाल लोगे तो पूरा साफ हो जाएंगे, फिर सर अब धो दो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दीदी देखो गाइस पूरा फेविकॉल सूखा सूखा पिन्नी ऐसा निकल के आ गया। देखो अंदर बिल्कुल क्लियर हो गए, थोड़ा सा बाहर रह गया। Oh,
छोटी मम्मी। तो गाइस हमारा जितिन मुझसे छोटी मम्मी बोलता है हमेशा से, प्यार से मेरे से बोलता है छोटी मम्मी, क्योंकि एक ही मम्मी है इसके, छोटी मम्मी बड़ी मम्मी मेरी, लेकिन बोलता मेरे को छोटी मम्मी है वो। छोटी बच्ची बोलता ना कल दादा ने, मेरे को छोटी बच्ची हो गया वापस ही। इनके ढक्कन कहाँ गए? हम कहाँ नहीं मालूम। हमारे यहाँ 10-10 किलो के डिब्बा आए थे गाइस, ऐसे ही जब लकड़ियों का काम चलाते ना, अलमारी वगैरह बनवाई थी, तो वो भी हमने ऐसे साफ किए थे सारे डिब्बे। अब जो अंदर से बिल्कुल साफ हो गए, अब उसमें सर्फ डाल के कर दो साफ बेसक। अभी ये को रह गया, अभी ये रह गया, अभी इसको देखते निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखिए मोबाइल चल रहा है ना, तो बहुत जरूरत कर रही हैची लाला खींच जाए तो, और गिर मत पड़ी डंडी टूट जाती गिरा पीछे ये ना। हाँ दीवार के सामने ना तो ऐसे खींच। अरे यार हाँ आयो 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 यहाँ से दम लगा, यहाँ से गाइस देखो आप क्या हो रहा है। ऊपर साफ करने का एक अच्छा तरीका, गिर मत पड़ी हो गया ऐसे। आप अंदर से देखो लीन एकदम, और देखो ये निकला है सूख गया पिंडी ऐसा निकलता है बिल्कुल सही है तरीके से। है ना है कोई भी चीज़ पता है कहीं कहीं ना पता हो तो पता चल जाता है। गाय सही कह रही हूँ ना, किसी किसी को कोई चीज़ ना पती हो तो पता ना हो, पति हो गया पता ना हो तो एक दूसरे से ऐसे पता चल जाता है। नई नई टेक्निक कितनी गंदी स्मेल आ रही है। हैवी कॉल है बाबू ना, गर्मी लग रही है यार। वो मल्ली में चुन्नी कितनी हटी रेत में, जब तुझे फाटक ना लगे ना जब तक आंधी आ गई पूरा घर गंदा कर जा रही है। मुझे ना आगे बढ़ाने का मन है ये मैं बताऊँ आ जा मैं बताऊँ। तो गाइस डब्बा तुम्हारे साफ हो गए, इसको हम किस यूज में ले सकते हैं? एक डब्बा के अंदर जितने भी ऐसे निकलते हैं उनको पानी में डाल दो और 2-3 दिन इनको गरा के रख दो। फिर इनको हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने किवाड़ चढ़वाई है, किवाड़ पे ऐसे पेंट कर सकते हैं, उससे क्या है लकड़ी हो जाती मजबूत। मुझे ये बताया था ए ना है सच में जलाना ना है, लोग गरा रखो है डब्बा भरा रखो पाकर में छोटे बच्चे मुझको ले जाएगी आँच में लगा है आंधी आ रही है लगा अभी लगा चल अभी लगा ना हटा रहा इतना गंदा रेत आ रहा होगा खुजली सी आई शरीर में। लाला देख इन्वर्टर चल रहा है, पंखा बंद कर लिया जाके हम बैठे बाहर पंखा चल जाइए बिजली को खराब कर। अब इसको सर्फ डाल के कर देंगे स्टार्ट। तो आप सभी को मेरा डिब्बा साफ करने का ये तरीका कैसा लगा मुझे गाइस बताना कमेंट में। गाइस मुझे भी नहीं पता था इसका, मिस्त्रियों ने बताया था वो 2 मिनट में साफ करके दिखा देंगे, हम बताओ कैसे करोगे, बोले धूप में रख दो इनको सूख जाए तो निकाल देना। ये तो बढ़िया भाई, मैंने ऐसे किया तो साफ। अरे रुक जा यार शोर करता है भाई बालक। चलो जितने है साफ अब सरकते हुए मैं अभी अपने रूम में थोड़ा काम वगैरह कर रही थी, तो आंधी आ गई की वाल लगा दी हमने रूम की, देख सकते हो दोनों रूम की वाल लग रही है। यहाँ जतन खड़ा है और आंधी बंद हुई ना भाई,
तो गाइस देखो बाहर से कितना कूड़ा आ गया, मैं दिखाऊंगा आपको। आसमान साफ है, वो पूरा घर देखो कैसा भैंसपोए जैसा हो गया पूरा। मैंने झाड़ू लगा के धुलाई की थी आज सुबह, अच्छे कचरा नहीं जा रहा है घर में, इसके लिए बुग्गी आएगी जब जाएगा ये। अभी हमारा ड्रम रखा है, दो बक्सा रखे हैं, अब ये कचरा वगैरह रह गया है। इतने सारे बर्तन परे मांजने के लिए, कूलर में पानी भर रही थी ना उससे पहले आ गई आग। तो गाइस ब्लॉग गाइस हम आए हैं आंधी में वीडियो बनाने के लिए, जल्दी जल्दी तैयार हुई, सनी आ गए, सनी कह रहे हैं वीडियो बना के चाची निकलो तुम्हारे मन तुम चिंगे यार ए लड़की जा रे अपना भला चाहते हैं। गाइस रील बन चुकी हैं, अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ी सी आंधी बंद हो गई है, फटाफट से तैयार हुई मैं। सनी आ गए थे, सनी कह रहे छत पे बनाएंगे चाची वीडियो, चलो मैं कैमरा पकड़ लूँगा तुम वीडियो बना दे, मैं चलो मेरी वीडियो भी बन जाएंगी यही बहाने। तो अभी हमारी वीडियो बन चुकी है, मैं जा रही हूँ, साड़ी चेंज करूँगी, ब्लैक कलर की साड़ी में शॉर्ट वीडियो बनाई, मिलेंगी तुम्हें देखने को यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर भी मिलेंगी देखने, दोनों जगह मिल जाएंगी। इन चप्पलें ने नीचे फेंक दी अभी, ठीक है अभी फेंक दें नीचे, क्योंकि मैं नई वही चप्पलें ने उतार के वो करूँगी काम। तो गाइस मैं छत से व्यू दिखाऊंगा आपको कैसा लग रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है खेतों का व्यू, बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं खेत। आंधी आ रही थी अभी, हल्की हल्की आ रही है, और देखो वहाँ पानी लग रहा है खेतों में, इंजन की आवाज़ आ रही होगी। ये रहा यहाँ पे बोरिंग हो रहा है, रतन घूम रहा है यहाँ पे। मैं चल रही हूँ, कभी कभी ना हम ज़्यादा तैयार होते ना तब भी हमारी वीडियो अच्छी नहीं बन पाती, क्योंकि हमें ऐसे ही जल्दबाजी में तैयार हो जाते हैं, फिर भी अच्छे से हो जाते तैयार। ये चीज़ मैंने देखी है, अभी मैं सोचती ना प्लानिंग करती तो बहुत टाइम बर्बाद करती, इतना जल्दी से ना मैंने साड़ी पहनी फटाफट, लिपस्टिक मारी, दो तीन कंघा मारे ऐसी बालन में, फिर मैं आ गई। अभी यहाँ पर खाने की तैयारी हो चुकी है, खाने बनाई मूंग दाल की खिचड़ी, दही, अचार, रोटी, आज हमारे खाने में डिनर हमारा ये इस चीज़ का ही हो रहा है। तो गाइस हमने अपने ब्लॉग में बहुत कुछ किया आज, वीडियो बनाई, डब्बा साफ करके दिखाए, घर के काम भी दिखाए। तो गाइस आज के ब्लॉग में अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और बाय बाय गाइस।